दोस्तों, आज मैं साल 2020 में रिलीज हुई मूवी कासल फ्रीक की स्टोरी को एक्सप्लेन करूंगा, जिसे डायरेक्ट किया है टैट सेंस्टेक ने और इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग 4.2 है। और दोस्तों, हाल ही में मैंने घोस्ट हाउस नाम की मूवी को एक्सप्लेन किया है, जो कि काफी बढ़िया मूवी है, जिसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में पिन मिल जाएगा। तो हम चलते हैं सीधा मूवी की एक्सप्लेनेशन पर। मूवी की शुरुआत होती है एक औरत से, जो कि एक क्राइस्ट के सामने प्रेयर करने के बाद एक खूंखार बीस्ट को खाना खिलाने जाती है। वो वहां से वापस आके खुद को एक विपर से मारकर सुसाइड कर लेती है, जिसके बाद वो बीस्ट आकर उसे और मारने लगता है। अब सीन रेबेका और उसके बॉयफ्रेंड जॉन के पास शिफ्ट होता है, जहाँ वो अपने कुछ फ्रेंड्स से मिलते हैं। वहां पे वो दोनों अपने दोस्त के साथ बहुत ड्रग्स और ड्रिंक करते हैं, जिसके बाद वो वहां से नशे की हालत में वापस जा रहे होते हैं। अब रास्ते में नशे की हालत में उन दोनों के कार का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें रेबेका को बहुत बुरी तरह से चोट लगती है और इस एक्सीडेंट में उसकी आंखें चली जाती हैं। अब ये दोनों साथ में इटली चले जाते हैं। वहां वो एक प्रॉपर्टी डीलर मार्को से मिलते हैं, जो उन्हें कासल विटली ले जाता है। वहां पर पता चलता है कि रेबेका असल में अनाथ थी, लेकिन उसकी बर्थ मॉम लेविनिया विटली उस कासल को ओन करती थी। अब वहां से जॉन उस कासल को देखने चला जाता है, जहां मार्को उसे बताता है कि किस तरह लेविनिया यानी कि रेबेका की मॉम ने अपनी जान दे दी थी। अब जॉन मार्को से ये सब रेबेका को बताने से मना कर देता है, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत ट्रॉमाइज्ड हो चुकी थी। अब यहां रात को सोते हुए रेबेका को सपने में कोई खुद को विप से मारते हुए दिखता है, लेकिन जॉन की बातों में आकर रेबेका उसे इग्नोर कर देती है। अब जॉन उस कासल को बेचने के बारे में सोच रहा होता है, जब रात को कैसल में सोते हुए रेबेका को अपनी मॉम के मौत के कुछ ऐसे डरावने फ्लैशेस आते हैं, जिसे देखकर वो डरकर उठ जाती है। अब वो उस कासल में घूमने जाते हैं, जहां जॉन को वही विप दिखाई देता है। अब ये उसके मॉम के कमरे में जाते हैं, जहां रेबेका उनकी एक रेड ड्रेस को अपने साथ ले लेती है। अब अगले दिन रेबेका मार्को से उस प्रॉपर्टी और अपने डैड के बारे में बहुत सारी बातें पूछती है, जहां वो कहता है कि वो यहां वहां से पता कर सकती है, लेकिन उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। और मार्को उसे वो कैसल बेचने से भी मना करता है, क्योंकि वो खुद भी वहीं पर रहा करता था। रेबेका इस बारे में सोचेगी, ऐसा कहकर वहां से चली जाती है। अब उस रात जब रेबेका सो रही होती है, तभी वापस से उसे अपनी मॉम का सपना दिखता है, और जैसा जैसा उसकी मॉम करती है, उसी तरह वो खुद भी नींद में करने लगती है। तभी वहां वही बीस्ट आ जाता है, जो उसे देखने लगता है कि तभी सपने से डर कर वो उठ जाती है और इस बारे में जॉन को बताती है। और उसने उस सपने में अपनी मॉम को रेड ड्रेस में देखा था, और वो खुद भी वही सेम ड्रेस पहने हुई थी जो रेबेका ने अपनी माँ के ड्रॉर से लिया था, जिसके बारे में सुनकर जॉन शॉक्ड हो जाता है, लेकिन वो उसे झूठ कह देता है कि उसकी ड्रेस ब्लू कलर की है। अब रेबेका को वही बीस्ट वापस से डराता है, जिससे डरने के बाद वो वहां से जाने के लिए इंसिस्ट करने लगती है, लेकिन जॉन पैसों की वजह से वहां से जाने से मना कर देता है। वो उसे बताता है कि वो उनके फ्रेंड्स की मदद से वहां के बारे में जान सकते हैं। अब जॉन उन पैसों के लिए नहीं, बल्कि उसकी मॉम के बारे में जानने के लिए बहुत इंटरेस्टेड होता है, इसीलिए वो जाने के लिए मना कर देता है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जहां जॉन को ड्रग्स की तलब होने लगती है, जिसके लिए वो मार्को की मदद से एक आदमी के पास चला जाता है। मीनवाइल रेबेका को वहां पर एक पुरानी बुक दिखाई देती है। अब वो ड्रग डीलर उसी कासल में खुद भी ड्रग्स लेने की जिद करने लगता है, जिसके थोड़ी देर बाद वहां वो बीस्ट आकर उस ड्रग डीलर को भी मार देता है। अब अगली सुबह वहां रेबेका और जॉन के सभी दोस्त आ जाते हैं, जहां अब वो दोनों अपने दोस्त प्रोफेसर को वो बुक दिखाते हैं। वो उसे बताते हैं कि वो बुक एक बहुत इम्पोर्टेंट और मिसिंग बुक है, जो कि कहीं भी नहीं मिलती है, और वो बुक काफी प्राइसलेस है। अब रेबेका की फ्रेंड शैली जब नहा रही होती है, तो मार्को वहां से उसे देख रहा होता है कि तभी वहां से जाते हुए वो बीस्ट उस पर हमला कर देता है और उसे मारने लगता है। अब प्रोफेसर उस बुक को सेल करने से मना कर देता है, जिस पर रेबेका भी एग्री करती है, क्योंकि वो बुक उसकी फैमिली हिस्ट्री से रिलेटेड थी। अब ये सब होने के बाद जॉन गुस्से में आकर ड्रग्स लेना शुरू कर देता है। अब कुछ देर बाद जॉन अपनी गलती के लिए सॉरी बोलता है, जिसके बाद प्रोफेसर वहां आके रेबेका को वहां से ले जाता है, जहां उसने उस बुक को ढूंढा था। अब वो दोनों वहां होते हैं कि तभी रेबेका के सामने उसकी मॉम के विजुअल्स आने लगते हैं, जहां कोई उसकी मॉम को मार रहा था।
जिसके बाद प्रोफेसर उसे संभालता है। अब जॉन उन चीजों को बेचने के लिए एक औरत के पास जाता है, जहां वो कासल के नाम को सुनते ही उन चीजों को खरीदने के लिए मना कर देती है और बताती है कि लेविनिया के कारण पूरा टाउन कर्स्ड हो चुका है। जिसे सुनने के बाद जॉन वहां के स्टेट मैनेजर से पूछता है कि तभी वो बताता है कि कासल को मार्केट में खरीदने वाला कोई भी नहीं है और जिस आदमी से वो डील कर रहे थे यानी कि मार्कू, वो वहां पर काम नहीं करता। अब नेक्स्ट सीन में हमें मार्कू को दिखाया जाता है जो कि उस बीस्ट के चंगुल में पूरी तरह से फंस चुका था। अब जॉन के सभी फ्रेंड्स वहां पर स्मोक करने लगते हैं, जिससे जॉन गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसे रेबेका ने ड्रग्स और अल्कोहल लेने के लिए मना किया था। अब जहां बाकी सब नशे में थे, तभी दूसरी तरफ प्रोफेसर और रेबेका उस बुक के बारे में और भी जान रहे थे। वहां प्रोफेसर बुक पढ़ने के बाद ये बताता है कि उस बुक के हिसाब से सभी मरे हुए लोग वापिस आते हैं, जिसका ये मतलब हो सकता है कि उसके सपने में आए हुए लोग भी वही हों और शायद इसी वजह से उसकी डेथ हुई थी। लेकिन जॉन इन बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता और तभी रेबेका और जॉन के बीच एक बहुत बड़ा झगड़ा हो जाता है, जिसके बाद जॉन लेविनिया के कैबिनेट में एक सीक्रेट पैसेज दिखाता है। अब उन दोनों के झगड़े के बीच जॉन और शैली एक दूसरे के पास आने लगते हैं और वहां से चले जाते हैं। वो दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं, जहां शैली जॉन की आंखों को ब्लाइंड फोल्डेड कर देती है। वो दोनों एक दूसरे को देख नहीं पाते, लेकिन वो बीस्ट उन्हें देख रहा होता है। तभी वो बीस्ट आकर शैली को मार देता है और खुद जॉन के साथ इंटीमेट होने लगता है। अब जॉन को अकेले उसी तरह पड़े हुए काफी देर हो जाती है, इसीलिए वो वहां से निकलने के लिए चिल्लाने लगता है, जिसके बाद वो शैली की बॉडी को देखता है और वो किसी तरह मार्कू को ढूंढ लेता है और उसे छुड़ाता है। अब वहां अंदर कैबिनेट में जाने के बाद रेबेका को रियलाइज होता है कि असल में उसकी मॉम से झूठ बोल के उसके ग्रैंडपा ने उसकी मॉम का रेप किया था और उसकी मॉम ने उसे बचाने के लिए वहां से भगा दिया था, लेकिन उसकी एक ट्विन सिस्टर वहीं बच जाती है। वो अब अलग अलग बटकर उस बीस्ट को ढूंढने चले जाते हैं, जिसके कुछ देर बाद रेबेका और प्रोफेसर को आवाजें आने लगती हैं, जिसके बाद प्रोफेसर वहां से चला जाता है कि तभी रेबेका के पास वही बीस्ट आ जाता है। लेकिन तभी उन्हें उनकी मॉम का एक फ्लैश आता है, जिसके बाद वो बीस्ट वहां से चला जाता है। अब उस बीस्ट को मारने के लिए सभी दोस्त अलग अलग निकल जाते हैं और वो बीस्ट उन्हें एक एक करके मार डालता है। अब वो बीस्ट एक जगह पर होता है जहां उसे प्रोफेसर मिलता है, जो कि बहुत शांति से उसके पास जाकर बात करने की कोशिश करता है। वो उससे डेथ और लाइफ के बीच के गेट के बारे में जानने के लिए फोर्स करता है, लेकिन वो नहीं मानती और उसे भी मारने लगती है कि तभी प्रोफेसर को कुछ विजन्स आते हैं जहां उसे उसकी मॉम दिखती हैं और वो ईवल भी उनके साथ होता है। और यही फ्लैशेस प्रोफेसर के साथ रेबेका को भी आने लगते हैं, जहां वो ईवल उसकी मॉम के साथ रेप कर रहा होता है। अब मार्कू और जॉन उस लड़की को ढूंढ रहे होते हैं, जहां जॉन मार्कू को मारने लगता है, जिसके बाद मार्कू उसे बताता है कि असल में उस ईवल ने उन दोनों सिस्टर को रियूनाइट करने के लिए उसे चूज किया है और जब लेविनिया मर रही थी तब वो खुद भी वहीं पर था, लेकिन उसने उनकी मदद नहीं की। वो ऐसा कह ही रहा होता है कि तभी वो बीस्ट आकर उसे मारकर खा जाती है। अब वहां पर सिर्फ जॉन और रेबेका ही बचे होते हैं, जिसके बाद जॉन और उस बीस्ट के बीच में एक लड़ाई होने लगती है और वहां उसके पास रेबेका पहुंच जाती है। और जैसे ही वो बीस्ट जॉन को मारने जा रहा होता है कि तभी उन दोनों को एक फ्लैशेज आते हैं, जिसके बाद वो दोनों रुक जाते हैं और इसी चीज का फायदा उठाकर जॉन उसे मारने लगता है और वो खुद विप लेकर रेबेका पर हमला करता है, जिसके बाद रेबेका खुद एक एक्स की मदद से उसे मार देती है। और अब क्योंकि दोनों बहनें रियूनाइट हो चुकी थी कि तभी वो ईवल वहां पर गेट ओपन करने आता है। प्रोफेसर उसे कहता है कि उसे अपनी फैमिली को एम्ब्रेस करना होगा, जिसके बाद वहां पर वो मॉन्स्टर आ जाता है और रेबेका की बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस होने लगते हैं और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अब मूवी के आफ्टर क्रेडिट वाले सीन में दिखाया गया है कि प्रोफेसर से कोई वेस्ट नाम का आदमी मिलने आया है, जिसके पास ग्रीन कलर का एक लिक्विड होता है। तो दोस्तों चलिए आपका कंफ्यूजन दूर करते हैं। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन के हिसाब से ये बात तो क्लियर है कि ये स्टोरी इनकम्प्लीट है और अभी कई सारे ऐसे डाउट्स हैं जो कि क्लियर होंगे। मूवी के एंड में दिखाए गए ग्रीन लिक्विड को असल में इस मूवी के ओरिजिनल पार्ट में भी दिखाया गया था। हालांकि मूवी अपने ओरिजिनल मूवी से ज्यादा सिमिलर नहीं है, लेकिन एंड पार्ट ये क्लियर करता है कि इसका एक और रीमेक आएगा और ये पॉसिबिलिटी है कि वेस्ट असल में वो लाइब्रेरियन था
जिसके प्रेजेंस में वो बुक गायब हुई थी। और दोस्तों ये मूवी 1995 में आई हुई कासल फ्रीक का रीमेक है, और जो वो बीस था वो असल में रेबेका की ट्विन सिस्टर थी। दोस्तों अब मेरे ऑनेस्ट ओपिनियन की बात करें तो मूवी वन टाइम वॉच है। तो दोस्तों ये था हिंदी एक्सप्लेनेशन कासल फ्रीक मूवी का। अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।